हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट कैफे। आज फिर आप सबका इस नए सीरीज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कल से हम लोग ने एसएससी जीडी को एसएससी जीडी को बेस मानकर, वैसे ये तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसको बेस मान के एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले। जैसा कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा था, टाइम एंड वर्क के बारे में, उसी तरीका से आज हम लोग कुछ क्वेश्चन एस आई और सी आई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्ष और 20%, और राशि अमाउंट कितना दे दिया, प्रिंसिपल 3200, ठीक है। और दोनों का अंतर बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है। 2 साल के लिए सीआई, 2 साल के लिए सीआई का एक गोल्डन नंबर होता है 2:1, ठीक है। इसमें जो 1 जो होता है, यही क्या हो जाता है आपको सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस हो जाता है, यही क्या हो जाता है सी आई। अगर आप अच्छे से थ्योरी इसका जानते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सिंपल सा, हम उतना थ्योरी नहीं जाने वाले हैं, सिंपल सा इसका देखते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या करना है, सिंपल पहले तो ये जो प्रिंसिपल है 3200, इस पर 20% का निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ब्याज, तो कट के ये आ जाएगा 640। तो ये 2 के सामने 640 कर दी। अब 600 फिर से एक बार करना है, तो फिर से इसका कर देंगे 20%, तो अब ये कितना हो जाएगा आपको 128। तो 1 के सामने हो गया 128, तो 1 गुना 128 कितना हो गया, यही हो गया इसका डिफरेंस। अगर वही आपको सीधे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो क्या करते, 640 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 × CI बराबर, और प्लस 1 × दोनों को सम करके लिख देते, ठीक है। लेकिन हम सबसे पूछ क्या रहा है इसका डिफरेंस, इसलिए इसका आंसर ये हो, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 14 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह राशि खुद की 92 गुनी हो जाएगी। इसका भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है, या तो इसको आप बेसिक से कर सकते हैं, बेसिक से कैसे, तो 14 गुनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 14 गुनी हो जाती है, तो इसका SI आपको कितना हो जाएगा 13x, और इधर हो जाएगा इसका प्रिंसिपल x इंटू टाइम हो गया 15, आर का पता है नहीं, और बट्टा 100। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपको निकल जाएगा आसानी से आर निकल जाएगा, तो आर से आप फिर इसी फार्मूला पे डाल करके आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना टाइम लगा। लेकिन हम लोग ये मेथड नहीं अपनाने वाले, हम लोग शॉर्ट मेथड अपनाने वाले हैं, जिससे आप एग्जाम में मुश्किल से 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका शॉर्ट मेथड, क्या बोल रहा है, कोई राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में, तो 15 वर्ष में 14 गुनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, 15 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया आपको टाइम, और ये हो गया आपको सिंपल इंटरेस्ट, तो राशि हो जाती है 14 गुनी, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 13, ठीक है, मतलब 13x, तो सिंपल से 13 ले लेते हैं, ठीक है। और पूछ रहा है कितने 92 गुनी कितने साल में हो जाएगी, तो 92 गुनी ये तो राशि हो रही ना, लेकिन तब इसका क्या हो जाएगा, इसका SI कितना हो जाएगा, तो 91, मतलब कितना टाइम में 91 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना का मल्टीपल है, 7 बार, तो 15 से 7 बार कितना हो 105 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 105 वर्ष। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वर्ष में 5% साधारण ब्याज पर 10,640 रुपये की राशि, 37,024 रुपये का साधारण ब्याज देती है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल सा फार्मूला पे क्या बैठा सकते हैं, SI बराबर P प्रिंसिपल × R × T बट्टा 100, इसी पे डाल दीजिए, तो साधारण ब्याज कितना बोल रहा है, प्रिंसिपल कितना है 10,640, और आपको रेट तो पता है नहीं, सॉरी रेट पता है कितना 5, और लेकिन समय नहीं पता है, तो समय x दिया हुआ है, और बट्टा क्या होता है 100, ठीक है। 1 से 1 काट दीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर इसको काटते हैं तो 5 3 2, ये इतना हो गया।
अब इसका देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, मतलब क्या कर सकते हैं, 6 7 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। बाकी और किसी भी चीज़ किसी भी नंबर से अगर ऑप्शन से चलते तो किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 नहीं आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7। अब डिवाइड करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए आपका, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सीएचएसएल, इस बार जो सीएचएसएल हुआ है अगस्त के महीना में उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। ठीक है, दोनों का अंतर दे दिया, ठीक, और इसमें हमको टाइम दे दिया है और रेट दे दिया है, तो हमको पूछ रहा है धनराशि क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसका बहुत ही आपको आसान तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीका। देखिए क्या करना है, 3 वर्ष और यहाँ पे रेट क्या है, तो रेट है आपको 10%, 10% मतलब 1/10 होता है। अब देखिए 3 वर्ष है, तो पहले तो ये चलिए कि 3 वर्ष के लिए सीआई क्या हो जाता है, सीआई का गोल्डन नंबर ये याद रखिएगा, बहुत ही इससे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपको 3 वर्ष का। ठीक है, और ये जो फैक्टर आ गया ना, ये क्या हो जाएगा, यही होता है दोनों का डिफरेंस, सीआई और एसआई का ये डिफरेंस होता है। अगर तीनों को ले लेते हैं तो ये सीआई हो जाएगा सिर्फ आगे वाला, ये एसआई हो जाएगा, लेकिन ये पीछे वाला दोनों क्या हो जाएगा आपको, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 3 साल के लिए बोल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं अमाउंट पी कितना हो गया, बेस में देखिए 10 आ रहा है और 3 वर्ष, तो मतलब 1,000 हम लोग मान, अगर 1,000 पे 10% का ब्याज लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 100। अगर 100 पे 10% का ब्याज लगेगा तो 10, 10 पे फिर 10% का ब्याज लगेगा तो 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो सी आई माइनस एस आई कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1, 31। और ये दिया कितना है क्वेश्चन में, ठीक है, अब देखिए कितना बार में जा रहा है, ये 9 बार में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 9 आ गया, एक एक डिजिट का, एक यूनिट का मतलब 9 आ गया, तो 100, 1,000 का कितना हो जाएगा, तो 9,000। आप सबको अगर डाउट हो क्वेश्चन पे तो आप लोग चेक कर सकते हैं, सीएचएसएल 2020 का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी ये होगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी हम आपको बता चुके हैं, ये देखिए कब आया है, SSCGD 2019 में, ये भी SSCGD 2019 में, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन पिछले साल में पूछे जा चुके हैं। और इसका मैंने एक ऐसा मेथड बताया जिससे आप एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड में आप बना सकते हैं। सोचिए आपके पास 1.5 घंटा का समय है, इस बार तो SSCGD में निगेटिव मार्किंग कर चुका है, फिर भी 1.5 घंटा के आपके पास समय है। ठीक है, और उसमें 25 क्वेश्चन मैथ से आने हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसको बेसिक से आप उसको कर सकते हैं, जिसमें 1 मिनट काफ़ी लग हो सकता है, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 घंटा का टाइम है, आसानी से आपको हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।